अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया डॉट कॉम। आज हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेट्रिक कोड की असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर हम इसका क्वेश्चन पेपर देखें तो क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट बना सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस के बारे में आइडिया हो। पहले सवाल में खाली जगह हैं, दूसरे सवाल में मुख्तलिफ सवालात हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। तो इसके बाद ये क्वेश्चंस के बकाया हिस्से हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें नोट है, 5 नोट हैं। क्वेश्चन 4 है, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से 100 नंबर के असाइनमेंट है, 40 नंबर यहाँ पे पास होने के लिए ज़रूरी हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट इनके आंसर्स की तरफ। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिससे आप हमारी इस वेबसाइट पर आएँगे। ये वेबसाइट है learningkidunia.com। आप इसको ड्रॉप डाउन करते जाएँगे, ड्रॉप डाउन करते हुए आपको फॉलो बैक का बटन नज़र आएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो डाउनलोड पीडीएफ का ये बटन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके मोबाइल डिवाइस या आपके लैपटॉप में ये पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाएगी। सेव करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप गूगल आईडी, ये गूगल क्रोम वगैरह में या किसी भी गूगल आईडी से सर्च कर रहे हों। अच्छा, अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। ये आंसर्स हैं, यहाँ पे पहले खाली जगह है, खाली जगह के आंसर आप पढ़ देता हूँ। क्वेटा 6, खलीज फारस 1955, क्या मैं पाकिस्तान, तकरीबन 125 करोड़, हिंदू कश, माउंट बेटन, हिंदू और मोहम्मद खान जुनेजो, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चंस इनके एमसीक्यूज़ के आंसर हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, समंदर के करीब इलाकों में किस किस्म की मुतदिल हवा होती है, दो दरियाओं के दरमियान इलाके को दोआबा कहते हैं, और आइन में 13वीं तरमीम की खासियत क्या है कि सदर कौमी असम्बली को तहलील करने की इजाज़त थी, ठीक है। इसके अलावा कौमी असम्बली में नशिस्तों की तकसीम आबादी के तनासब से की जाती है, MRD तहरीक का मकसद क्या है, किस इलाके को वादी सवा कहा जाता है, थल का रेगिस्तान क्या है, सुबह सिंध है, पटोहार के इलाके में कौन सा दरिया है सवा बहता है, काबीना वफद ने सूबों और रियासतों की तकसीम के सिलसिले में क्या तजावीज़ दी, उन्होंने 3 ग्रुप्स में तकसीम करने का कहा, 10 साल तक यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल रहेंगे, मुस्लिम लीग ने रियासत इकदाम का दिन क्यों मनाया, मुस्लिम लीग अपने मकसद के असूल यानी क्या पाकिस्तान के लिए रियासत क्या रियासत इकदाम का दिन मनाया। नोट, अब आपने नोट लिखने हैं। पहला नोट है करारदाद पाकिस्तान उसका मंजर, दूसरा नोट है पाकिस्तान के दाई माशी इंतजाम, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत, पाकिस्तान का महले वकू, ठीक है, हिंदुस्तान के मसाइल और आइन से क्या मुराद है, पहले दस्तूर असम्बली, ये सब चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा किस इलाके के रहने वाले लोगों की मसरूफियात पर कैसे असर अंदाज होती है, 1973 के आइन के तहत सूबाई और वफाकी इंतज़ामिया की तश्कील के दायरा कार, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। आप इन्हें बुक से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है, नेक्स्ट असाइनमेंट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।